आज मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। सेल बॉडी का एक बेसिक यूनिट है, फंक्शन और स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट है, पूरी बॉडी का एक बेसिक यूनिट है। सब जो जानदार है उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अगर एक घर बना हुआ है ईंटों का, उसमें जो मेन पार्ट है वो ईंट है, ब्रिक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है। इस सेल की एग्जांपल है ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, मसल सेल। स्किन सेल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और अंदर की तह को महफूज रखती है। रेड ब्लड सेल हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल, अगर हमारे जिस्म में कोई जरासीम अंदर आ गए हैं तो वो उसके खिलाफ लड़ती हैं। मसल सेल सुकड़ कर हमें मूवमेंट में मदद देते हैं। इसी तरह सब जो सेल हैं उनके फंक्शन भी अलग होते हैं। जैसे कि अब नर्व सेल बोन सेल का फंक्शन नहीं कर सकता। नर्व सेल अपना कर रहा है फंक्शन, वो नर्व सेल मैसेज लेकर जा रहा है ब्रेन तक और बॉडी और बोन सेल बोन बनाती है और हमें एक स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है हमारी बॉडी को। इसी तरह वो उनका अलग फंक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शंस, दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। नर्व सेल का अलग फंक्शन है और बोन सेल का अलग फंक्शन है। साइज, इनके साइज भी किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई सर्कल टाइप के होते हैं, कोई स्क्वायर टाइप का होता है। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं और इनकी शेप भी अलग होती है। ऑर्गेनिजम्स की टू टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में, यूनिसेलुलर की एग्जांपल में बैक्टीरिया, फंगी आ जाता है और मल्टीसेलुलर की एग्जांपल में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं मल्टीसेलुलर की। मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो सेल का वर्ड है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसने एक दरख्त की छाल ली और सिंपल माइक्रोस्कोप से उस पर देखा तो उस पर छोटी सी डिब्बियाँ दिख रही थी उसे, तो उसने इन डिब्बियों को सेल का नाम दिया।